बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ल बसरा। गाइस ऑटो कैड में हम आज एक और फैक्ट्री हॉल का सबमिशन बनाना आपको सिखाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है सबमिशन ड्राइंग ऑफ फैक्ट्री हॉल। साइज इसका है 90 फिट बाई 200/06, यानी कि 98 फिट बाई 206 फुट। ये 98 फिट इसकी विड्थ है और 206 फिट इसकी लेंथ है। तो चूँकि इसमें सिंपल हॉल ही है इसलिए हमने आज ये सारी चीज़ें जो है एक ही वीडियो में शामिल कर ली है, सबमिशन ड्राइंग मुकम्मल। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास इसका देखें प्लान है, ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसकी ये साइज़ है 98 फुट। इस तरफ को सेंटर सेंटर हम ड्रा करेंगे और इस तरफ को जो है इसकी 206 फिट इस तरफ का। ये चूँकि सामने रोड जो है टेपर है इसलिए यहाँ से फ्रंट साइड भी टेपर है, तो इधर वाली साइड जो है 145 फिट है। तो ये बाहर वाली आउटलाइन है, इसे ड्रा करके फिर हम इसकी बाहर वाली बाउंड्री वॉल बना लेंगे 9 फुट 9 इंच पे ऑफसेट करके। फिर जहाँ से हम शुरू करेंगे, जहाँ इसका ये पिलर बना दिया हमने, ये इसका डोर वन है, ये विकेट गेट है और ये मेन गेट है, गेट वन। और जहाँ पे पिलर बना दिया, ये पिलर है 22.5 यानी 22.5 और 22.5 यानी 22.5 इस तरफ को, 22.5 इस तरफ को, इतने इंच का ये ब्रिक पिलर है। ये पिलर बनाने के बाद ये हमने ये देखे काफ़ी टेपर है इसलिए डिफरेंस काफ़ी है, रोड जहाँ पे टेपर हो रही है। इसके बाद जहाँ पे हमने ओपन एरिया, ये सिर्फ इसमें फिलहाल हाफ एक हाल बनाया हमने, ठीक है। ये देखें यहाँ से इसका मेन गेट है, तो जहाँ से हमने ये दीवार बनाई, दीवार से हमने ऑफसेट लिया। ये हमारे पास हाल जो है 40 बाई 100 का फिट का है, तो 40 फिट का हमने इसका ऑफसेट लिया जहाँ पे। तो ये वाल बना दी, ये वाल मुकम्मल करने के बाद जहाँ से हमने इसको शुरू किया, ये गेट है, इसमें यहाँ पे RCC पिलर है, RCC पिलर है, यहाँ पे हमने विंडो लगाई, ये विंडो वाल, यहाँ पे ऑफिस बना दिया। और ये 12 बाई 12 का 12 फिट इस तरफ को, 12 फिट इस तरफ को, ये ऑफिस बना दिया हमने। ये इसका डोर बन गया, डोर D1 D2 है। D1 चूँकि हमने बाहर लगाया विकेट गेट इसलिए इसका इसको दूसरा नाम दिया D2 का। ये हो गया इसके साथ अटैच वॉशरूम है, तो ये 6 फिट बाई 4 फिट, ठीक है। इसका जो D3 दरवाज़ा आ गया, यहाँ इसके बाहर जो जहाँ से हमने लाइन इसको, ये वेंटिलेटर आ गया B2, जहाँ से हमने सीवर लाइन निकाली, यहाँ सेप्टिक टैंक ने बनाया 4 फुट बाई 6 फुट का सेप्टिक टैंक बना दिया। फिर आ जाता है ये जहाँ पे ये पिलर है इसके सामने, जहाँ पे हमने राउंड पिलर दिया, ताकि ये राउंड पिलर इसलिए दिए कि कल को ये दीवार ख़त्म करके जहाँ पे नया हाल हम दे सकते हैं, इसलिए राउंड पिलर इस तरफ दिए। ये बाहर की तरफ हमने ये देखें स्केल पिलर दिया, RCC पिलर है 15 बाई 15 इंच यानी 15 इंच बाई 15 इंच के। ये पिलर आगे RCC के, ये भी RCC के, लेकिन यहाँ पे हमने राउंड पिलर दिए ताकि, और इसके ऊपर ये देखें ये हमने, अच्छा ये बताते हैं ये किसने में, अच्छा ये मुकम्मल करने के बाद ये पिलर दे दिए सारे हमने RCC के। ये देखिए RCC राउंड कॉलम है 18 इंच का, ये इसलिए दिया कि कल को अगर हमने इसको हाल बड़ा करना होगा तो ये सेंटर में आ जाएंगे और दोनों छतों का जहाँ से भी लोड इसका इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा ये जो इसके अंदर ये देखें यहाँ पे इसकी लाइन चेंज कर लें, वो नज़र नहीं आ रही थी, तो इसके ऊपर हमने DT सारी डाली है। ये देखें तो ये जो लाइनें हैं ये DT शो कर रही है, इतनी DT इसके, क्योंकि 8-10 फुट 9 फुट जो है 10 फुट की होती है इसकी विड्थ, तो जहाँ पे इतनी DT के ये लाइन आ गई। यहाँ पे हमने ये देखें इसके ऊपर RCC पिलर के बाद ये बीम दिया, तो ये बीम की डॉटेड लाइन है, RCC बीम है 15 बाई 18 का, 15 इंच ये वाइड है और 18 इंच इसकी डेप्थ है नीचे को। इसी तरह ये जो है इसके अंदर ये देखें
यहाँ पे जो बीम है, ये देखिए यहाँ पे बीम, ये भी बीम चल रहा है, ये है RCC बीम 18x18 का। इसको भी हमने फ्यूचर प्लान के साथ इसलिए रखा है ताकि अगले में जब इस तरफ से लोड आएगा तो ये ज़्यादा लोड ले सकें, इसलिए ये 18x18 का और बाहर जो है 15x18 का बीम छोटा इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये मेन बीम है, ये पिलर भी राउंड इसलिए दिए कि हाल के अंदर आ जाते हैं तो राउंड होने चाहिए, साइड पे हम स्क्वायर दे सकते हैं। फिर जहाँ पे ये देखें, ये हमने शो किया कि इसमें विंडो भी नीचे है और ऊपर जो है वेंटिलेटर है। ठीक है, नीचे 7 फुट तक जो विंडो आती है और ऊपर जो है V1 वेंटिलेटर टॉप पे आ जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा, इसका हाल मुकम्मल हो जाएगा जहाँ पे। और इसको हम ये देखिए जितना कवर एरिया उसके ऊपर उसके हमने लाइन वेट चेंज कर दिया, और जहाँ पे छत नहीं है उसको हमने लाइन वेट इसको नॉर्मल रहने दिया डिफ़ॉल्ट पे। तो ये सारी बाउंड्री वॉल हो गई यहाँ से, इस तरीके से ये घूम के, ये देखिए जहाँ पे जाती है इस तरह से, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है इसका फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन में देखेंगे तो हमें ये नज़र आएगी, ये जहाँ से ये गेट आ गया और इस, ठीक है, ये बाउंड्री वॉल ड्रा करेंगे और यहाँ पे ये कॉलम हमें सामने नज़र आ रहा है, ये डोर आ जाएगा और गेट आ जाएगा और ये विंडो, विंडो 7 फुट तक आती है, वे अक्सर नज़र नहीं आती। ठीक है, जो वेंटिलेटर वगैरह हो तो नज़र आ जाएगा, विंडो जो है वो 7 फुट का, तो ये भी 7 फुट का है, तो ये जहाँ पे जो दरवाज़ा गेट 7 फुट से ऊपर होगा वो नज़र आएगा। तो जहाँ चलते देखें कि हमने ये लाइन नीचे से ले जाएगा, ये वाली आ गई, इसको ड्रा किया इधर, ये पिलर ड्रा किया, ये पिलर ड्रा किया, ये पिलर हो गया और ये इसके अंदर फिर गेट आ गया, ये छोटा विकेट गेट आ गया, इस तरफ ये आखिरी बार दीवार आ गई ये वाली, तो सब ये लाइन ड्रा की नीचे वाली रोड लेवल की, फिर 2 फुट ऑफसेट किया तो ये लाइन आ जाएगी। यहाँ पे हमने रैंप बना दिया, इसको ऑफसेट कम कर, पहले ऑफसेट 3-4 इंच लिया, फिर उसके बाद इसको कम करते गए तो जैसे नज़र आएगा जैसे रैंप है। तो फिर बाउंड्री वॉल के लिए यहाँ इसको 7 फुट किया तो इसको 7 फुट का ऑफसेट देंगे, ये आ जाएगा, और पिलर भी उसी के बराबर आ रहे हैं, ये तो हो जाएगा बाउंड्री वॉल। नेक्स्ट आ जाएगा ये पीछे वाला हाल, जो हाल हाल की हाइट जो है क्योंकि 14 फुट है इसलिए बाउंड्री के ऊपर नज़र आएगी। ठीक है, जितनी नज़र आएगी वही हमने शो करना है। ये देखें, ये इसका हाल की हाइट है 14 फुट, तो इसलिए जहाँ से हमने इसको प्लिंथ लेवल से 14 फुट हाइट पे ऑफसेट देंगे, और इसके ऊपर जो है 2 फुट 3 इंच यानी 27 इंच की ये डबल टी होगी। तो डबल टी का भी डॉटेड लाइन जो आ जाएगी, ये जहाँ तक छत आ जाएगी, प्रीकास्ट डबल टी स्लैब है, उसके ऊपर ये पैरापेट आ जाएगी 1 फुट के, और जहाँ गेट जितना नज़र आ रहा है गेट है 10 फुट का, तो ये 3 फुट इसके यहाँ पे ऊपर नज़र आएगा। अगर गेट छोड़ 8 फुट का होगा, जितना मतलब ये 7 फुट तो पहले हो गया, तो जितना ऊपर नज़र आ रहा है सिर्फ उतना ही शो करेंगे। तो गाइस ये तो हो गया इसका एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन सादा सा है क्योंकि एक ही हाल है, तो इसलिए ये इतना ही बनेगा। फिर इसके बाद इसका सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन हमने कट किया जहाँ से, सेक्शन एट ए, यहाँ से इसमें ये वाल कटेगी, ये वाल आ जाएगी और ये वाल आ जाएगी, और यहाँ पे बीम भी कटेंगे, ये भी बीम है, ये भी बीम, बीम कटेंगे, कॉलम जो के पीछे रह गए वो सारे नजर आएंगे। तो ये देखें, ये लाइन हम ऊपर ले गए तो ये देखें इसके ये वाल आ गई, कट गई, जो कट गई उसको हमने हैच किया, और ये पीछे कॉलम की लाइन नज़र आ रही है तो ये कटी नहीं है इसलिए सॉलिड है। इसके ऊपर ये बीम कट गया 18x18 इंच का। इसी तरह ये दीवार है, दीवार के आगे पिलर है, कॉलम जो कि नहीं कटा है इसकी, उसकी साफ सॉलिड वाल नज़र आ रही है, और ये दीवार कटी है इसको हमने हैच कर दिया, हैच किया। फिर यहाँ से ये लाइन ड्रा करके हमने ये इसके फिलिंग कंपैक्टेड अर्थ का किया, ये कंपैक्टेड अर्थ है। अच्छा, इसको जहाँ में कंपैक्टेड अर्थ है और उसके ऊपर ब्रेक सोलेंगे, इसलिए हमें उसके दो ही लाइनें ऊपर ड्रा की, यहाँ पे प्लिंथ डीपीसी कट की ये भी हमने शो कर दी दीवार के ऊपर। बाहर जो है चूँकि कंपैक्टेड अर्थ है, अभी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं हुई ना फ्लोरिंग हुई, इसलिए इसको सिर्फ कंपैक्टेड अर्थ ही साफ रखी गई है। और ये बाउंड्री वाल है 7 फुट की, ये जहाँ पे 2 फुट ये रोड लेवल है और
और नीचे जो कंपैक्टेड अर्थ है, ये बाउंड्री इस तरफ को भी है और इस तरफ को जो लाइन जा रही है वो बाउंड्री वॉल की दूसरी साइड है। फिर आ जाएगा जहाँ पे डबल टी, जो देखें डबल टी हमने बना के दिखा दी सारी, ये उसकी 2 इंच की जहाँ पे थिकनेस होती है ऊपर नीचे ये लटक होती है इसकी, और 2 इंच की स्लैब थिकनेस होती है, और ऊपर जो है 1 फुट की पैरापेट वाल ये इस तरीके से लगी, ये भी इस तरीके से। इसकी स्पेसिफिकेशन वाटर प्रूफिंग की यही है कि प्रीकास्ट डबल टी है, उसके ऊपर 2 कोट्स ऑफ हार्ड बिचमेन लगाएंगे, फिर 3 इंच थिक मड फिलिंग करेंगे, और उसके बाद 1.5 इंच तक ब्रिक टाइल लगाएंगे 1/3 सीमेंट सैंड मार्टर के साथ। तो ये तो हो जाएगा जहाँ पे इसके अंदर फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में सिर्फ हमने कंपैक्टर अर्थ है और उसके ऊपर सिर्फ सोलिंग लगा दिया, अभी हाल स्टोर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जब हमको मशीनरी के हिसाब से करेंगे तो दोबारा इसमें अमेंडमेंट हो जाएगी और दोबारा इसकी रिवाइज प्लान सबमिट होगा। तो ये तो हो गया इसका मेन हाल। बाकी इसमें नॉर्थ आ गया, नॉर्थ शो करेंगे, फिर जहाँ पे इसका ये प्लान आ गया, हमने साइड प्लान शो किया, साइड प्लान जब स्केल इसकी 1 इंच इज इक्वल 40 के हिसाब से, ये 13 मीटर की रोड है वाइड, ये लिख दी हमने। यहाँ पे देखें ये सारा ओपन एरिया है, ये इतना कवर्ड एरिया उसको हमने कवर कर दिया, क्योंकि सिर्फ हाल की हमने शुरू से हमने यही आपको डिस्कस किया था कि सिर्फ हाल है, ये देखिए फैक्ट्री हाल, सिर्फ एक फैक्ट्री का हमने डिज़ाइन किया, तो इसलिए सिर्फ फैक्ट्री है, इसमें बाकी अभी और चीज़ें बननी है, तो इसलिए उस हिसाब से ज़्यादा दोबारा इसकी रिवाइज प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इसका साइड प्लान, इस तरफ को डिस्टेंस है, ये देखिए टेपर होने की वजह से डिस्टेंस लिख दिया 90 फिट और 206 और इस तरफ को 140। फिर आ जाती है इसकी फाउंडेशन प्लान, फाउंडेशन प्लान आप शो करेंगे, फाउंडेशन प्लान में स्केल लिखेंगे 1 इंच इज इक्वल टू 2 फिट, फिर इसकी PCC है 3 फिट की और 6 इंच थिक है 6 इंच की, और जहाँ पे हमने इसके जो ब्रेक पर शो करेंगे डॉटर लाइन जो है ये क्रॉस है जो है ये ब्रेक वर्क के लिए होते हैं, और ये जो है सॉलिड जो है RCC के लिए। फिर आ जाएगा ये देखें 27 का जहाँ पहले है ब्रेक वर्क शुरू होगा इसकी फाउंडेशन 6 इंच का, फिर ये 22.5, फिर 18 इंच का, 18 इंच का, 13.5 का और ये 9 इंच के बाद ये इसकी डिटेल आ जाएगी। ये चीज़ें मुकम्मल करने के बाद फिर आ जाता है जो हमारा टाइटल ब्लॉक, इसको टाइटल ब्लॉक को पहले इंसर्ट करें, सारी चीज़ें इसके अंदर सेट करें, ठीक हो गया। फिर आ जाएगा ये स्पेसिफिकेशन का जहाँ पे हमने लिखी जो कि हमारी स्टैंडर्ड है, 6 इंच तक PCC करनी है, ब्रिक वर्क उसके 1/3 के साथ लगाना है 1/4 के साथ, ठीक है। आगे 1.5 इंच तक DPC है, फिर फ्लोरिंग की डिटेल आ गई, ग्रेट डालनी है, हार्ड कोड डालनी है, फिर डोर विंडोज का आ जाएगा उसमें फर्स्ट क्लास देवदार बोर्ड लगानी है, फिर आगे आ जाएगा रूफ वगैरह की क्या है उसमें हॉट बिचमन लगाना है 2 कोट्स, उसके बाद 3 इंच मार्ट फिलेंगे और ब्रिक टाइल है। तो ये सारी डिटेल अगर आपको और मजीद डिटेल होगी वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसको चेंज करके। फिर आ जाता है शेड्यूल ऑफ डोर विंडोज़, जो जो आपने गेट लगाए इस्तेमाल किए वहाँ इसके अंदर और जितनी विंडोज इस्तेमाल की वेंटिलेटर सब का साइज यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद इसके रिमार्क्स में जगह मतलब ये गेट किस चीज़ का स्टील आयरन का जो सारे, और ये विकेट गेट भी स्टील आयरन का, बाकी जो दरवाजे हैं सारे वो अल्मोनियम के, और विंडोज जो है MS की, जो जो भी इसमें चेंजेस होंगे जो आप मेड है जहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फिर आ जाता है शेड्यूल ऑफ एरिया आ जाएगा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। एरिया ऑफ प्लाट कैलकुलेट करें, फिर कवर्ड एरिया कैलकुलेट करें, दोनों में से माइनस करेंगे तो ये ओपन एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इसके प्रॉपर एरिया कैलकुलेशन पे। फिर आ जाएगा जहाँ पे प्लान ऑफ फैक्ट्री क्या है, इसका साइज लिखें, ये फैक्ट्री है तो फैक्ट्री लिखें, हाल स्टोर है तो स्टोर लिखें, यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह लिखें, जो भी चीज़ है स्ट्रीट नंबर लिखें। फिर ऑनर का आ जाएगा, ऑनर का नाम लिखें, फिर आर्किटेक्ट कौन से है, आर्किटेक्ट है, यहाँ पे ड्रॉन बाई उसका नाम लिखें,
जहाँ पर डेट लिखें ज़रूरी हो तो डेट लिखें, इंजीनियर कौन सा है, इंजीनियर का नाम लिखें, ठीक है। तो इस स्टाइल से भी आप इसको बना सकते हैं, जो हम दूसरी वीडियोस में बनाते हैं वो स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे डेट डालें, कोई भी आप डेट जो उस डिज़ाइन कर रहे हैं उस वक्त की डेट डालें, हमने तो रैंडमली डाल दी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जहाँ पे कंपनी लॉगो, तो कंपनी लॉगो इंसर्ट करें, अटैच करें जहाँ से, यहाँ पे आप इसको इंसर्ट करें, ये देखें, ऑर्थो ऑफ करें, ऑर्थो ऑफ करके इसको रिड्यूस कर लें, तो ये तो हो जाएगा इसका लॉगो। इस लॉगो के अंदर आप अपने इसका ऑफिस का नाम लिखें, ईमेल एड्रेस वगैरह लिखें, सेल नंबर लिखें, स्ट्रीट वैसे एड्रेस लिखें, ठीक है, पोस्टल एड्रेस लिखें, जो भी आप जहाँ डिटेल अपनी देना चाहते हैं तो दें। तो इसके साथ ही हमारी ये आपकी वीडियो मुकम्मल हो जाएगी, इसकी ड्राइंग मुकम्मल हो जाएगी। सबमिशन ड्राइंग आप मुकम्मल करने के बाद ये देखें, इसकी काफ़ी लंबी ड्राइंग है, तो इसको प्लाटर पर ही प्लाट होने करना पड़ेगा, ये प्रिंटर पर नहीं होगी। तो प्रिंटर पर आप प्लाटर पर इसको ट्रांसपेरेंट पेपर पर प्रिंट करने के बाद अमोनिया प्रिंटिंग मशीन पे ले जाएं, वहाँ भी तीन कापियाँ इसमें लाइट ब्लू कलर की जो होती हैं वो तीन कापियाँ करके, ये टोटल चार का सेट बना के फिर आप वहाँ पे ले जाएंगे। इसके साथ आप अपने मलकीती का कागजात, जो भी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्द वगैरह साथ में अटैच करके ले जाएं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कवर्ड एरिया है इसके हिसाब से वो आपको फीस वाउचर बना देंगे कि पर स्क्वेयर फिट कितना टोटल बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो वो आपको कहेंगे उसके फीस जमा करवा दो, और आपको वो गो थ्रू दे देंगे कि आप इसको कंस्ट्रक्शन कर लें, बाकी वो साइट इंस्पेक्टर जो मौके पे आके इसको देखता रहेगा। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने आपको सबमिशन ड्राइंग, इसमें लेआउट प्लान, एलिवेशन सेक्शन, सारा कुछ एक ही ड्राइंग में आपको बना के दिखाया। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो पेश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।